टिकट काउंटर से ऑफलाइन, यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं टिकट। इसका एंट्री गेट है, यहाँ से होने वाली एंट्री। अब पवन गया अभी बैग रखने जाता है, तब चलते हैं अंदर की तरफ जाने के देखते हैं। ये यहाँ से हम बाहर से अंदर आए हुए थे और ये देखो यहाँ से जाएंगे अंदर हम। यहाँ पे मिलती है टिकट ऑफलाइन, 50 रुपये टिकट मिलती है जो मैंने ले रखी है। देखो ये टिकट इसकी, ये ये इधर है देखो, इधर 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 ड्रेनेज सिस्टम जिसमें पानी छोड़ा जाता था, जिसके मतलब चारों ओर पानी भरा रहता था, जो यमुना रिवर से पानी आता था जिसमें। ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ये वाला। और चलो देखते हैं अंदर जाके कैसा है, रेड फोर्ट भी आज। और ये देखो यहाँ पे लगी हुई है तोफ मुगलों के ज़माने की, मैं तो पूरी दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे से लेकर तो बहुत बड़ी तोफ है, कम से कम इसकी 7-8 दवाई। यहाँ पे कुछ लिखा भी है इसमें, उसका जी के पता नहीं, डबल आर यानी क्या लिखा हुआ है उस पर। और ये देखो पीछे गोले से टाइप में लगी हुई है, तो ये बंसी भी आते यहाँ से, इसमें ये एक यहाँ होल बना हुआ है, यहाँ से इसमें बारूद डाल के आग लगाई जाती थी, जिसमें इस पर डेट लिखी हुई है 50/3/23। हाँ 50/3/23 ऐसे कुछ भी डेट लिखा हुआ है, 23 पता नहीं नंबर लिखा, नंबर वगैरह लिखा हुआ है इस पर आगे। और ये होने वाली है एंट्री, यहाँ लगी हुई है मशीन पहले। और ये देखो एंट्री हो गया गेट से, देखो बहुत बड़ा गेट बना हुआ है यहाँ पे, तो जिसकी दीवारें 70 फीट से ज़्यादा ऊंची हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी गेट में। और ये यहाँ पे क्या डिज़ाइन बनी हुई है इसकी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैलेस एंड वेलकम टू आगा पॉइंट रेड फोर्ट। भगा दे ऐसे, तू काम करेगा तो भगा सकते, आराम 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 तो चलते हैं ना घूमने। एक गेट यहाँ से था पहले, जहाँ से हमने अपनी मतलब चेकिंग कराने के बाद एंट्री की थी, और सेकंड गेट ये भी है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे बस है, यहाँ से चेकिंग होने के बाद ये दूसरा गेट है जहाँ से हम फुली एंटर कर जाएंगे इसमें। ये भी गेट काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, पहले वाले से भी ज़्यादा ऊँचा है। इसके ऊपर भी टॉम बने हुए हैं यहाँ पर, और इस पर देखो क्या ब्यूटीफुल नक्काशी की गई है इसमें, ब्लू एंड वाइट एंड ग्रीन इस पर स्टोन लगे हुए हैं। ये दोनों तरफ देखो सेम कलर्स पर बनाया गया है ये, और इसकी शेप भी बहुत मस्त है। और ये देखो एक स्टोन बना हुआ है, यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। पहला गेट यहाँ था जहाँ से काफ़ी लोग एंट्री अंदर आ ही रहे हैं। अरे यार गर्मी बहुत है। और ये देखो गेट, यहाँ से सामने एक बड़ी चौड़ी गली बनी हुई है, इसका देखो डोर खुला हुआ है यहाँ, ये तो यहाँ पे बना हुआ है इसी रूम तो। दीवार दीवार ये मतलब दोबारा बनाई गई है दीवारें, ये पहले इसके अंदर एक दीवार थी जो सिकरवार वंश की थी, फिर ये मुगलों ने इसका पहले वैसे लोधी राजपूत यहाँ से लोधी शासन करते थे। सबसे पहले सिकंदर लोधी ने किया था यहाँ पे शासन, मतलब उसने इसको बनवाया था, उसके बाद उसकी मौत इसी किले में हुई थी। उसकी दीवार क्लैप करना एक बार यहाँ पर, मैंने कल एक नई चीज़ देख दी शायद, क्लैप करने पे यहाँ पे मतलब री अनाउंस होता है, मतलब आवाज़ होती है वो वापस आती है लौट के जब इन दीवारों के बीच में हम क्लैप करते हैं तो। और ये देखो पानी आने के लिए ये फव्वारे से दो लगाए गए, देखो पत्थर से यहाँ से ऊपर से, जैसे रेन वो का जो वाटर है वो शायद नीचे आता है, वो इसी के पर्पज़ से यहाँ पे लगाए गए। और ये काफ़ी चौड़ी गली है, शायद यहाँ से लोग जब इसमें एंट्री करते होंगे, जब रसाई राजा की एंट्री होती है तो वो यहाँ से ही मेन गेट की तरफ जाता होगा, जो देखो वहाँ पे सामने लगा हुआ है। चल रहा हूँ एक वीडियो में लॉन्ग बुला के चल रहा हूँ। ये देखो इस तरफ यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, यहाँ पर जहांगीरी महल और अंगूरी बाग की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ से चलते हैं। ये 3-4 मतलब ये देखो साइड पर पूरे अंगूरी बाग के लिए साथ लगाए गए होंगे, पहले यहाँ पे 3-4 बने हुए हैं, एक ये साइड भी बना हुआ है, लेकिन अभी तो यहाँ पर ग्राउंड प्ले ग्राउंड की तरह से बनाए हुए हैं ये। और ये बना हुआ आगे जहांगीर महल, तो देखते हैं पहले जहांगीर महल को। पर आज गर्मी बहुत है और सनलाइट भी बहुत तेज है, जैसे कल था, कल ताजमहल देखने गए थे हम, उस पर भी बहुत तेज सनलाइट थी, बहुत तेज धूप है और मेरे तो गर्मी लग रही है, पता नहीं यहाँ पे आज क्या हुआ, पसीना पसीना हो रहा है। और ये आ रहे हैं अंगूरी बाग में, लेकिन अंगूर हैं यानी पता नहीं यार खट्टी के मीठे। ये जहांगीर महल है ये वाला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस प्लेस। तो देखते हैं इसको भी आराम से,
सलीम ये बनी है स्लीपर्स पैर रखने के लिए। ये बहुत टफ था जहाँ पे जब जोधा भाई के हुआ था सलीम। ये जहांगीर का स्नान कुंड है एंड ये अकबर का पुत्र था जहांगीर उसका स्नान कुंड है। और ये 5 फीट गहरा हुआ है, 5 फीट इसकी गहराई है और 24 मीटर के करीब इसकी पर्दी है, यानी जो इसका गोल सर्कल है वो 24 फीट के करीब है 24 और 5 फीट इसकी गहराई के करीब है। इसके अंदर की दिखाते हैं, हाथ करके ये देखो नहाने के लिए था। इसमें देखो सीढ़ियाँ भी कटी हुई हैं 2-3 और ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है, इसमें कोई पत्थर नहीं जोड़ा गया ना कुछ भी, ये एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है। ये देखो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसकी डिटेल लिखी हुई है इसके लिए। 5 फीट गहरा है और 8 फीट ब्यास और 25 फीट इसकी पर्दी है। इसमें सीढ़ियाँ भी लगाई हैं इसमें जाने के लिए अंदर, जो कगार फारसी लेख खुदा की जानकारी मिलती है। ये फौज खास जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ये जहांगीर के जब जोधा भाई के हुआ था तब जहांगीर जोधा भाई और अकबर का पुत्र था, उसी के लिए बनाया गया था। ये बात टब है जो उसके नाना ने उसे गिफ्ट किया था शायद, ऐसा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। ये टब जो है उसके नाना ने उसके मतलब जन्म के बाद उसे गिफ्ट किया था ये वाला।